सर फिर सो वी कैन डिस्कस एनीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट. व्हाट इज द प्रोजेक्ट, हाउ डू यू फील? Is e-commerce? Sudip da, I say it's e-commerce. हेलो हेलो. हाँ सर, मेरे आवाज सुना है? मैं अभी म्यूट था. ये सर का वेबसाइट है. ए मिठुन भाई, सर वेबसाइट है. एटा मैन्युफैक्चरिंग करता है सर. तो एटा सर माने एटा फेसबुक एड्स चलावे मूलत. इनी होच्छे जे गूगले एड्स चलाय, सेल टेल मोटामुटी पाय गूगल थेके भालोई. एबार फेसबुक एड्स चलाते चाइछे, बुझते पेरेछो? ओके তো ওনার ট্র্যাকিং ট্র্যাকিং বলতে আমি যেটা দেখলাম ওয়েবসাইটে, ট্র্যাকিং বলতে এটা এটা উনি ম্যানুয়ালি জিটিএম এর মাধ্যমে করেন, মানে প্রফেশনাল ভাবে করা নেই এটা. এটা যেটা দেখলাম এটা ওখানে উনি ওয়েবসাইট ব্যাক এন্ডে বসানো আছে কোডগুলো, বুঝতে পারলে? এই গুগল গুগল অ্যাডস, রিমার্কেটিং কোড, কনভার্সন ট্র্যাকিং, তারপর ওর এখানে আছে ইউনিভার্সাল. আই থিংক ইজ ইট মেড বাই উকমার্স অর শপিফাই? শপিফাই, শপিফাই. তো এই কোডগুলো ব্যাকএন্ডে বসানো আছে আমার মনে হয় যেটা. অবশ্যই ব্যাকএন্ড, এগুলো ব্যাকএন্ডে অবশ্যই বসাতে হবে, কারণ বসানি আছে, বসানি হ্যাঁ থাকবে। জিটিএম না, তাই না? জিটিএম তো দেয়া নেই। না, জিটিএম নেই, জিটিএম নেই. ওকে ওকে, নো প্রবলেম, হ্যাঁ উই ক্যান সেট আপ ইট উইথ প্রফেশনালি। আচ্ছা স্যার, প্লিজ টেল মি এভার এভার অ্যাবাউট দিস. ক্যা ক্যা বতানা হ্যায় ফির সে বতাইয়ে। मैं बोल रहा हूँ, आप पहले सर टोटल ट्रैकिंग करोगे तो आप देन मार्केटिंग नॉट करोगे ट्रैकिंग, फेसबुक नॉट ट्रैकिंग, इट्स ए मार्केटिंग, इट्स ए मार्केटिंग वाया फेसबुक। यू हैव टू सेट अप फेसबुक एड्स फॉर दिस वेबसाइट टू गेट मोर सेल्स। So, so need so need a budget suggestion. And how many INR, I mean Indian rupees, do you have budget to first time advertising on Facebook? How many? What you are asking? Ask again. I ask you about the budget, advertising budget. Budget. आप हिंदी में एक बारी वो सर सर वो पूछना चाहते हैं जो आपका मंथली मंथली बजट कितना है, डेली बजट कितना है फेसबुक एड्स के लिए? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं देखिए अभी गूगल एड्स से आ रहा हूँ, वो देखा है मैंने देखा। तो गूगल एड्स पे मैं डेली पैसे खर्च रहा हूँ। मुझे अगर रिस्पांस मिलेगा तो बजट ऊपर भी जा सकता है, अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो बजट जीरो भी हो जाएगा। ओके ओके ओके, डिपेंड ऑन रिस्पांस। तो सर मैं एक फेसबुक के ऊपर आपको सेल्स, आप तो सेल्स फाइनल जानते हैं सर, फेसबुक के सेल्स फाइनल मतलब जो भी सेल आएगी फेसबुक से वो एक तरह से रिकॉर्ड हो जाएगी, वो कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको वेबसाइट में जो आएगा लाइक सेल्स फनल, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग हो रहा है, बिकॉज आप गूगल एनालिटिक्स पर आप देखता है आफ्टर आफ्टर फेसबुक एडवर्टाइजिंग यू सी what was the sales from facebook, what was the sale, fir se boliye, from facebook you can see maine abhi facebook pe starting mein kiya tha chalu advertisement, but wahan se sale acha nahi aaya tha, maine band kar diya tha. Abhi jo bhi sale aa raha hai wo google se aa raha hai, google advertisement. I don't know who manages your facebook ad, but facebook ad is the best popular ad for e-commerce like this your product for your product, because of it's a visual combination. If someone manages your Facebook ads campaign,
फॉर दिस वेबसाइट आई थिंक यू विल बी गॉट मोर सेल्स फ्रॉम फेसबुक एड्स. ओके एंड इट बेटर अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में बहुत बोल दीजिए. मैं कभी कभी हिंदी आ रहा है बट आई थिंक आई डिडंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. फेसबुक सेल वो बोल रहा है सर, फेसबुक सेल में एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है तो इसलिए आपका पहले तो ब्रांड अवेयरनेस तो आपका है ही क्योंकि गूगल से आ रहा है. तो आपका जो आपका वेबसाइट में लाइक आपका जो कस्टमर आएगा पहले तो उनको ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि डाटा आपका वेबसाइट में वो आया ट्रैक नहीं हुआ तो अब मैं दोबारा उनको ऐड दिखाऊंगा कैसे. ठीक है तो वो तो हो ही जाता है ना क्योंकि शोपीफाई में, शोपीफाई में जैसे हम अबेंडेंट कार्ट एक ऑप्शन है जहां पे हम भी मेल करते हैं, जो कस्टमर आया उसने अपने कार्ट में कुछ प्रोडक्ट ऐड किया और लेकिन उसने परचेज नहीं किया तो उसको हम मेल करते हैं कुछ डिस्काउंट कूपन के साथ और उसके साथ कि वो कन्विंस हो परचेज करने के लिए. बट ये टोटल रिपोर्टिंग आप फुल टोटल रिपोर्टिंग और आप एक जगह से देखते हो तो गूगल एनालिटिक्स फोर्स है भी इससे ज्यादा आप रिपोर्ट देख सकते हो क्या से. हाँ, लेकिन हम पेज व्यूज जो करते हैं बंदे उनको भी एड्स दिखाना चाहते हैं क्योंकि जो हमारी वेबसाइट पे है वो इंटरेस्टेड था तभी आया, तभी आया तो पेज व्यूज वालों को भी दिखाना चाह रहे हैं. तो उसके लिए जो आपको लगाना है वो आप बताइए और लगा भी दीजिए. पेज आप सिर्फ पेज व्यू लगाएंगे और कुछ भी नहीं. पेज व्यूज एंड जो प्रोडक्ट्स जिन्होंने ऐड अबैंडन्ड कार्ट में पेज व्यू आपका आपका कस्टमर आया एक कॉन्टेक्ट आपका एक लाइक आपका ये आपका कस्टमर आया ये एक पेज व्यू हुआ. ठीक है ये आपका ये एक कॉन्टेंट में क्लिक किया ये तो आपका एक व्यू कॉन्टेंट हुआ. यहाँ से भी कस्टमर अबैंडन करके बैग जाता है. ठीक है बैग जाता है तो और कोई कस्टमर आप ढोड़िए. फेसबुक सेल्स फनल में क्या होता है ये टॉप ऑफ द फनल फनल होता है टॉप ऑफ द फनल बॉटम ऑफ द फनल एंड मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल. तो टॉप ऑफ द फनल में आपका वेबसाइट में विजिटर आता है लाइक आपका वेबसाइट में 100 विजिटर आया तो उन्होंने क्या किया आपका 100 विजिटर आया और 60 विजिटर आपको ये प्रोडक्ट पेज व्यू मतलब एक प्रोडक्ट पेज व्यू किया 60 पीपल. तो 60 पीपल से आपको आपका प्रोडक्ट पेज व्यू का 60 पीपल एड टू कार्ट किया 30 पीपल 30 पीपल ने उनसे एड टू कार्ट करता है. ठीक है तो इसको व्यू मैंने कंटिन्यू व्यू कट करके कंटिन्यू शॉपिंग व्यू कट करके मतलब परचेस टोटल परचेस चेकआउट में जाता है 10 पीपल चेकआउट में जाता है एंड चेकआउट में भी से ये अबैंडन करके चला जाता है मतलब चेकआउट से भी ये अबैंडन करता है और देन लास्ट परचेस आपका होता है 5 और 3 से परचेस होता है. ये फेसबुक का रिकॉर्ड है 2020 में ये रिकॉर्ड है 100 कस्टमर मतलब 1 से 3% आपका कॉन्वर्सन रेट रहता है. जी जी वो सही बात कह रहे थे वो 1 से 3% जो आप, अगर आप मेरी स्क्रीन देखें मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एक मिनट. ओके ओके तो 3% ये कॉन्वर्सन सेटअप रहता है. मार्केटिंग যদি সেল পাতি হয় ভালো সেল পাতি হয় তাহলে পরে থ্রি স্টেজে আমাদের হচ্ছে মার্কেটিং করতে হবে. প্রথমে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এরপরে কনসিডারেশন তারপরে হচ্ছে আমাদের সেলস কনভার্সন. তো এখন যদি সেলস পাইতে চাই তাহলে পরে ওইটাই করা লাগবে আর এটা ডাইনামিক রিমার্কেটিং অ্যাডস হওয়া লাগবে তাহলে সেলস ভালো আনা যাবে আদারওয়ে সেল ততটা পাওয়া যাবে না. क्लिक द प्रेजेंट नाउ बटन एंड क्लिक द एरो चिन्ह शेयर
एरो एरो सिग्नल ऊपर आ रहा है, देखिए। नोट ऊपर, दिस इज ब्लू। अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन। हाँ, यस। ये देखिए जो आप चीज मुझे बता रहे थे ना, आप मेरी वेबसाइट देख रहे हैं अभी। ओके। जो आप कह रहे थे ना कि कितने कितने कस्टमर्स आए, कौन कितने सा कस्टमर्स प्रोडक्ट हैं? सबसे ज्यादा लोगों ने देखा, हाँ तो ये ब्रेसलेट देखा, उसके बाद हाँ ये हाँ देखा, उसके बाद ये देखा, ये देखा। इसके बट ये डाटा आप वहाँ पे वहाँ से कैसे बाद। ये आई थिंक इट्स ट्रांसपोर्ट करते नॉट हैं? एनफ, आई थिंक इज नॉट एनफ, बट इज ए नॉट रिपोर्ट, इट्स जस्ट ए स्टैटिक वैल्यू, बट देयर इज नो एक्चुअल डाटा टू एनालाइज। सुदीप आप बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये सर मैं ये बोल रहा है, दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि ये जब आपको आपका मैं डायनामिक एड्स चलाऊंगा, क्योंकि बहुत सेल फेसबुक में डायनामिक एड्स से भी आता है, जब कैटलॉग एड्स आपका चलेगा तब हाँ वहां से आपका आपका जो वैल्यू वैल्यू वो ट्रैक करना पड़ेगा, तो वैल्यू हिसाब से आपका वो डायनामिक प्रोडक्ट कैटलॉग से वो लेगा, ठीक है? तो कैटलॉग से ये लेगा एंड वो आपका दिस इज नॉट इनफ, माना यहाँ पे उतना डाटा नहीं है, ठीक है? इसीलिए जीए फोर में ऑल ऑल रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, मतलब आप जिस बंदे को ट्रैक करोगे उस बंदे को ही ऐड दिखा सकते हो, इसके टोटल रिपोर्टिंग एंड माने टोटल आप देख सकते हो आपका कितने कहाँ से मतलब आपका आपका कस्टमर क्या है, कस्टमर का एज क्या है, कस्टमर का डेमोग्राफी लोकेशन कहाँ है, कस्टमर का कहाँ से आ रहा है, वो किसमें इंटरेस्ट है, ऑल एंड ऑल रिपोर्टिंग आप प्रॉपर वे से देख सकते हो, ठीक ओके ठीक है? है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपर मार्केटिंग के लिए आप जीए4 सेटअप करें, एंड जीए4 में आप ई कॉमर्स परचेस सेटअप करें, क्योंकि ई कॉमर्स परचेस जब आप वेबसाइट में सेटअप करोगे तब फेसबुक से एंड गूगल से, क्योंकि गूगल से आप मैं देखा हूँ आपका गूगल में कॉन्वर्सन टैगिंग है, रीमार्केटिंग टैग है, ये सब टैग आप आपका वेबसाइट बैकएंड में बैठा है, ठीक है? वेबसाइट আচ্ছা बैकएंड में मতলব इस সুদীপ দা, শপিফাই আরো ওয়েবসাইট কা আরো बैकएंड में। আরো একটা কথা বলি, আপনি ওনাকে বোঝাতে পারেন কিনা দেখেন। সেটা হ্যাঁ হচ্ছে ফেসবুকে যখন আমরা অ্যাড রান করব, অ্যাড রান করার পর যখন হ্যাঁ কিছু লোক ভিউ করবে এবং সেটাতে কিছু লোক ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, তাদেরকে আমরা একটা হ্যাঁ রিমার্কেটিং অডিয়েন্স হিসেবে ক্রিয়েট করব। হ্যাঁ যদি হ্যাঁ তারা ইন্টারঅ্যাকশন না করে, তাদেরকে আমরা রিমার্কেটিং অ্যাডস দেখাবো না, কারণ আর একটা লোকের আমরা মিনিমাম মানে হাইয়েস্ট 7 বার আমরা সাত মানে সাত বার 7 বার আমরা তার অ্যাডটা শো করাবো তার সামনে। সে যদি হুম ইন্টারঅ্যাকশন না করে, তারে পরবর্তীতে তাকে আর ওই অ্যাডটা আমরা শো করাবো না, হ্যাঁ 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 ঠিক আছে? তো কোই কোই এক বান্দা দেখো, কোই এক বান্দা যাব ফেসবুক মে আয়েগা, মতলব আপকো আপকা ফেসবুক অ্যাড দেখ কে আপকা ওয়েবসাইট মে আয়া, তো আপ দেন অ্যাবান্ডন করকে চলা গয়া, ঠিক হে? দেন আপ মে উসকো ট্যাগ করুঙ্গা, মতলব মেরে ফেসবুক পিক্সেল উসকো ট্যাগ করেগা, তো ট্যাগ করকে मैं देन उसको रीमार्केटिंग करूंगा, रीमार्केटिंग करके मैं उसको 7 टाइम्स एड दिखाऊंगा, मतलब 7 टाइम्स उसको एड दिखाऊंगा। Not only ads, but we included in ads, हाँ including ads offer like coupon like that, हाँ मतलब discount। उसको सिर्फ एड नहीं दिखाऊंगा, उसको 50% जो आप बोलते हैं 50% डिस्काउंट एंड कूपन, मतलब आप जो जो मार्केटिंग के लिए मतलब सेल्स के लिए जितने दे सकते हो मैं उसको दूंगा, तो 7 टाइम मैं उसको एड दिखाऊंगा, देन ये कॉन्वर्सन मतलब कॉन्वर्सन आएगा इससे। अच्छा तो ये सेटअप आप करिए ना फिर, हाँ मुझे हाँ और लगा। आपको आपका ये अब मैं देखा हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली वो गूगल टैग मैनेजर से ही ये आपका जो जो टैग है मैं देखा हूँ, कॉन्वर्सन ट्रैकिंग, गूगल एड्स कॉन्वर्सन ट्रैकिंग, रीमार्केटिंग ट्रैकिंग, ये यूनिक एक टैग है, मतलब आप जो जो टैग करोगे उसमें एक यूनिक टैग होता है, ये यूनिक एक एक टैग आप जब आपको वेबसाइट बैकएंड में आप बैठाओगे तब आपका वेबसाइट लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि शॉपिफाई हेडर में ये सब बैठाता है, मतलब जो जो कोड है ये तो जावास्क्रिप्ट कोड है, ये जावास्क्रिप्ट कोड जो आप वेबसाइट में बैठा तो हो तो इसमें आपका लोडिंग स्पीड बढ़ जाता है यार, इसीलिए गूगल एक सॉल्यूशन ले आया है, गूगल टैग मैनेजर, इसीलिए आप यहाँ से ऑल टैग मैनेज कर सकते हो, ले
गूगल एड्स कॉन्वर्सन टैगिंग, गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैगिंग, फेसबुक पिक्सेल, फेसबुक माने कॉन्वर्सन टैगिंग, जो 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 चाहते हैं ई कॉमर्स टैगिंग सब आप गूगल एनालिटिक्स से रिपोर्टिंग कर सकते हो। इन वहाँ से रिपोर्ट लेके आप फेसबुक फेसबुक से ऐड दिखा सकते हो, ठीक ठीक है। है और फेसबुक से मैं रीमार्केटिंग करूँगा, देन मुझे पहले आगे मेरे को ट्रैकिंग सेटअप करना है, क्योंकि बिना डाटा से मार्केटिंग नहीं करा जाएगा। फाइनल मार्केटिंग के लिए, सेल्स मार्केटिंग के लिए मुझे डाटा ट्रैक करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप जो बोल रहे हो कि 7 टाइम्स आप मतलब कस्टमर्स को दिखाओगे कि, तो ये 7 टाइम्स मतलब ये अपने ये गूगल की तरफ से होता है कि हम भी कुछ चेंज जैसे 5 टाइम्स कर दें या 3 टाइम्स कैन कर दें, कि ये गूगल की तरफ से ही होता है कि हम भी 7 टाइम्स दिखाते हैं। आई सी योर गूगल एड्स परफॉर्मेंस टुडे? सर आपका एक गूगल एड्स एक बार गूगल के डैशबोर्ड में जाइए। और गूगल एडवर्टाइजमेंट के हाँ, एडवर्ड्स अकाउंट पे एक बार जाइए। आई एम ए गूगल एड्स एक्सपर्ट एंड आई मैनेज मोर देन 100 के प्लस स्पेंड। और देखिए जो आप कह रहे हो ना, एक तो ये होगी रीमार्केटिंग वाली एड्स। हाँ, एक रीमार्केटिंग। ऐड मैं आपके साथ वो स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स कर रहे हैं, उनको काफी अच्छा रिस्पांस हाँ, मिल आप रहा है। मुझे बताए थे तो वो पेज और उसका वेबसाइट मुझे एक बार देखिए, क्योंकि उसका प्रॉपर एनालिसिस करूंगा मैं करना है मुझे, ठीक मैं वो इसके साथ ही ओपन कर देता हूँ, आप देखिए उनकी वेबसाइट। है। ओके और मैंने एक्चुअली वो भी देख के रखी हुई है, एक वीडियो भी बना के रखी हुई है जो कि मैं जो ऐड चलाना चाहता हूँ उस लिंक पे। गो टू गूगल एड्स, गो टू गूगल एड्स, गूगल एड्स अकाउंट। कैन आई सी द रिपोर्ट? आप कैन आई सी द राइट साइड रिपोर्ट प्लीज? अपना देख लीजिए, जो आपको देखना आप सिस्टम पे चेक कर सकते हो। लिमिटेड बजट आपके पास है सिस्टम, आप चेक कर लीजिए। नहीं, यहाँ से तो हो एक्सेस नहीं दिया जाता है गोमेट पे। अच्छा बताइए फिर कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है? कोदा क्লিক করতে হয় মিটুন ভাই? এখানে গুগল মিট আছে, ইয়ে করা লাগবে, আমি ক্লিক করব না, আমি শুধু রাইট সাইডে এটা টান দিতে বলছি। আচ্ছা স্যার, ক্যান ইউ স্ক্রল দা রাইট? স্ক্রলিং রাইট, নট ডাউন, ইস রাইট সাইড রাইট সাইড। হ্যাঁ হ্যাঁ, এন্ড দ্য ক্যাম্পেইন, ক্যাম্পেইন লেভেল, ক্যাম্পেইন লেভেল শর্ট, ক্যান ইউ শর্ট দ্য ক্যাম্পেইন ট্যাব? कैंपेन में क्या क्या है सुदीप बताना। देखिए এটা শর্ট করা যায়, সুদীপ দা এটা শর্ট করা যায় যে ইয়ে ধরে টানা যায়, আকড়া দিয়ে টানা যায় টেনে, এটা এই ক্যাম্পেইন লেখা রয়নি যে ক্যাম্পেইনের যে নেম, এই ক্যাম্পেইনের নেমের এই ইয়েটা বড় অনেক ট্যাবটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা ছোট করার কোনো অপশন নেই? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে মাউস নিয়ে গেলি পরে ছোট হওয়ার জন্য আকড়া বেড়া হয়ে, দেখো ওটা কোথা ওই থেকে দেখো করে? না, এই যে এখানে উপরে এই যে ক্যাম্পেইন লেখা রয়েছে এই 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 সাইডে এসে যে এটা এই যে বর্ডারটা রয়েছে, বর্ডার এখানে বর্ডারটা সরিয়ে দিতে বলো। বর্ডারটা ওদিকে ছোট করে বলবো, আমি আমি দেখাচ্ছি কিভাবে ছোট করতে হবে, আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা 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 স্যার, আচ্ছা স্ক্রিনটা একবার স্টপ করতে বলবো? হ্যাঁ, স্ক্রিনটা একবার স্টপ করতে বলবো। প্লিজ স্টপ ইওর স্ক্রিন ওয়ান টাইম। স্টপ কে করো, ফির সে বলিয়ে, একবার আপনার স্ক্রিন স্টপ করিয়ে স্ক্রিন দেখা শেয়ার অফ দেয়। করিয়ে স্ক্রিন শেয়ার কর দিয়ে কর দিয়ে কি বলে, আমি ইংলিশ আমি খুব একটা বুঝি না।
एक बार आप स्टॉप करिए स्क्रीन। रिंडी আমি সবই বুঝি কিন্তু স্টপ আমি বলতে শেয়ারিং করুন, পারি। স্টপ শেয়ারিং। यस यस হ্যাঁ হ্যাঁ यस স্টপ, ইয়েস 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 স্টপ শেয়ারিং এক বার করিয়ে। কর দিয়া। ওকে শেয়ার করে। আচ্ছা আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ করুন। এখন আমি ওনাকে ওনার যেটা বললাম প্লিজ ফলো ফলো মি ওকে আই ক্যান সি দা ইওর রিপোর্ট সেকশন অন টাইপ অফ মাই ড্যাশবোর্ড। তুমি শেয়ার করে একটু দেখো। আমি শেয়ার করেছি, শেয়ার হইনি আমার স্ক্রিন। अब दिख रहा है आपको? मैंने फिर से कर दिया उसको। नो 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 यू हैव टू सी माय स्क्रीन दैट आई डू। अच्छा फिर स्टॉप शेयरिंग करूं? यस यस करिए एंड देन उनको आप शेयर करिए मिठुन से। हमारी शेयर टाकी बंद हो ही गई से? हाँ बंद हो गया।